You need a strategy. And what is the strategy? What's the aim of the strategy? Shut the space for Corona. Don't close the space. Wherever you find. मैं आपको कह रहा हूं ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है, मगर ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकेंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदलिए, क्योंकि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। और जो झूठ बोला जा रहा है, और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है, और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है। यू नीड अ स्ट्रेटजी। And what is the strategy? What's the aim of the strategy? Shut the space for Corona. Don't close the space. Wherever you find. मैं आपको कह रहा हूं ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है, मगर ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदलिए, क्योंकि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। और जो झूठ बोला जा रहा है, और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है, और सरकार इस झूठ को फैला रही है, ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है।